आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी आनंद और प्रसन्नता का दिन है। आज मुझे श्रद्धेय राज माता जी की याद आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख बेटे बेटियों की मां थी। बचपन से उनका स्नेह और प्यार हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को मिलता था। वो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी और भारतीय जनसंघ के काम को देश विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनका अतुलनीय योगदान था। आज उनके पोते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। यशोधरा जी मेरे साथ हैं। पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा है। इसलिए एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को मानते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में अमित शाह जी के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से मध्य प्रदेश में पहले से ही मजबूत भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और पूरे देश में भी उनकी सक्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनके प्रवेश पर हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के परिवार के साथी उनका स्वागत करते हैं, साथ मिलकर चलेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जनता की बेहतर सेवा करेंगे। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी युवा ऊर्जावान और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी नेता हैं। ऐसी परंपरा से आते हैं जिसने राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम माना है। लगभग 18 महीने पहले 2018 में बड़े उत्साह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में काम किया था, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। वादे नहीं निभाए, वचन तोड़ दिए गए और प्रदेश में ऐसी लूट का उदाहरण आज तक कभी देखने में नहीं आया। भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड बनाए इस सरकार ने। भाजपा की सरकार की जन कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया गया और जैसा उन्होंने कहा, किसान से लेकर नौजवान तक, माताएं बहनें तक आज इस सरकार से परेशान और कोस रही है।